तो दोस्तों आज मैंने साड़ी वाला लुक रखा है, बप्पा का विसर्जन करने वाले हैं, इसलिए मैं नॉर्मल सिंपल से साड़ी पहना है, जो मेरी नहीं है, मम्मी की ही साड़ी है। बेसिकली ज्यादातर मम्मी की साड़ी पहनती हूँ। आज आखिरी दिन बप्पा हमारे घर पे है और फूल बाकी सब कुछ चढ़ा दिया हमने, और यहाँ पे फ्रूट्स मिठाइयाँ सब कुछ भोग लगा दिया है, और पूजा यहाँ पे भगवान का तो कर लिया है, बप्पा कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हवन की पूरी तैयारी चल रही है। इसमें हम विसर्जन करने वाले हैं लोटा में गणपति बप्पा का, और यहाँ पे हवन कुंड स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ रेडी हो रहा है। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। हम लोग हवन कर चुके हैं और देख सकते हो आप यहाँ पे, और थोड़े ही टाइम में विसर्जन का टाइम आने वाला है। हम बहुत ही जल्द बाप्पा को इसमें विसर्जन कर देंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। गण गणपते नमः, ओम 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 गण गणपते नमः। मुहूर्त से थोड़े से लेट हो गए क्योंकि एक्चुअली हमने कुछ डिसाइड किए हुए थे, जो मंत्रों का उच्चारण है वक्रतुंड महाकाय मैंने 108 बार किया और जिया ने ओम गणपते नमः 121 बार की, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, बप्पा को पता है, सब दिख रहा है उनको कि हमने जानबूझ के कोई कुछ नहीं किए हैं, और उनका ही दिन है तो चलता है। गणपति बप्पा मोरिया, मनोकामना होगी वो कर लेते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बहुत इमोशनल टाइम होता है ये, बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगता है अंदर से बिल्कुल। जिया रोने लगी है। तो ठीक है ना, वो कहीं जा थोड़ी रहे हैं, देखो यहीं पे है, कल वापस आ जाएंगे। अजीब सा यार, फिर से वही जिंदगी वही रूटीन रहेगा, फालतू वाले रूटीन हो जाएगा फिर से। 10 दिन तक कितना सब कुछ सही हो गया था। चलो प्रसाद खाओ, ये लो मोदक, रसगुल्ला भी देता हूँ अभी, लो टक्कू मोदक खाएगा, गणपति बप्पा का प्रसाद खाएगा। हाँ देख, जिया के पास मोदक है, अच्छा खा ले। टक्कू भी उदास हो गया है क्या? टक्कू तू क्यों ऐसा उदास हो गया मेरा? सुना तेरे को समझते है क्या, टीका लगा के बैठा है मेरा बाबू रे, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा टीका लगा के बैठा है, नजर लगा दो उसको, लेकिन उदास हो गया है। उदास होगा नहीं, अब यहाँ पे हवन कर रहे थे तो वहाँ पे आके बैठा था हवन के पास भी। हाँ हवन में भी बैठा था। मोदक खाएगा बाबू? कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा, खाने के नाम पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ नहीं तो कैसे भड़बड़ा के उठता था ना बाबू। मोदक खाएगा? आजा आजा, मोदक दे दो, आजा आजा बेटो, देखो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। अभी मैं गई थी बाजू में प्रसाद देने, हमारे दोस्त लोग रहते हैं उनके पास, तो टक्कू एकदम टेंशन में आ गया, देखो अभी कैसे अंगड़ाई ले रहा है, निकल कर बैठा है, एकदम टेंशन में आ गया था, एकदम वैसा सैड हो गया था, बार बार आके मुड़ मुड़ के देख रहा था दरवाजे के पास, यहाँ पे दरवाजे के पास उधर बैठा हुआ था, सोच रहा था मैं कहाँ चली गई, आ क्यों नहीं रही हूँ, आ क्यों नहीं रही हूँ, मेरी आवाज तो आ रही लेकिन मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, यही टेंशन में बैठा हुआ था। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, ऐसा रोना आ जाता है मुझे जब भी 10 दिन के बाद विसर्जन होता है, तो अभी ठीक फील कर रहे हैं थोड़ा, बस कुछ खाएंगे पियेंगे, चाय पियेंगे क्योंकि उपवास है हमारा। वहाँ पे खड़े होके अपलोडिंग का काम कर रही है, आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाया सिर्फ और सिर्फ ये बेकार सोसाइटी की वजह से। यहाँ पे ना नेटवर्क आता है, ना शांति रहती है, सिर्फ आवाज़ होती है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगें बनती है, और इस सोसाइटी में ना पानी अच्छा है, ना नेटवर्क अच्छा है, ना कुछ अच्छा है। ये हो चुका है हमारे साथ लगातार दूसरी तीसरी बार, हिल भी नहीं सकती मैं, इसी पोज में यहीं पे खड़ी हूँ क्योंकि कब से मतलब यहीं पे नेटवर्क आ रहा है जो थोड़ा अपलोड हो रहा है,
मैं कब से यहाँ हिली तक नहीं, मैं हिली। और इसको देखो, इसको देखो, ये भी नहीं हिल रहा है साला, पता नहीं क्या ये। देखो ये देखो, देखो तो इसके बॉडी पोर्शन देखो कैसा अटका हुआ है। सो जाता है यार, बहुत नाटक करता है बारिश में, वो सो जाता है। ये क्या होने का तरीका है? अभी वहाँ पे लेट रहा था, मैंने पकड़ी थी, लेट जा रहा था। हाँ हाँ, ये वैसे ही कर रहा है, बारिश में पता नहीं क्या हो जाता है। एक तो इतनी इरिटेशन है यार, एक तो इतना ज्यादा लेट हो गया है ना। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं मलाड़ वापस चले जाऊंगा, जहाँ से आए थे वहीं पे चले जाएंगे वापस, कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह पे रह के। हाँ थोड़ा बड़ा घर है, क्या अचार डालेंगे बड़े घर का जब फैसिलिटी नहीं मिल रही है चीजों की। हाँ निखिल का वीडियो फाइनली अपलोड तो हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं अपलोड करे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 11 बज गए हैं और अभी चेकिंग पे भी लगा हुआ है, फिर एड लगाएंगे, प्रोसेसिंग इतने टाइम तक हुआ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार यहाँ पे रहने का। मतलब उस दिन ब्लड अटैक का लॉस हुआ, आज ब्लड सत्य का लॉस हुआ, मतलब। और ये देखो पूरा नीचे का लाइट बंद कर दे, उधर आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है। एक चीज समझ में आती है कि चलो सेव इलेक्ट्रिसिटी करके इलेक्ट्रिसिटी बचाते, लेकिन इतना भी क्या बचाना कि अंधकार में ही जिला दो यार। सही में इतना देखो, फिर बिजली बनाने का मतलब क्या है? सही में ऐसा लगता है कैसे लोग रहते हैं यार, बिल्कुल अंधेरे में लोग वॉक कर, रात के 1 बजे तक 12 बजे तक अंधेरे में वॉक कर रहे हैं। किसी को कभी आना हुआ, ये नीचे है बिल्डिंग इसलिए यहाँ पे थोड़ी रोशनी है, किसी को कहीं से आना हुआ तो रात में अंधेरे में आएगा। सोचो क्या एकदम महान, एकदम बेकार जगह पे आए हम लोग, सही बता रहे, नहीं रह सकते यार यहाँ पे, बिल्कुल मुश्किल है। ये देखो रात में कितना सुंदर दिख रहा है आसमान, ये देखो चंदा मामा कितने प्यारे दिख रहे हैं, ये देखो, और एक तारा भी है, वाओ बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है आसमान। और वहाँ पहाड़ पे कुछ व्हाइट व्हाइट वैसे दिख रहा है ना वो लाइन, मुझे लग रहा है कि शायद बिजली गिरा था उसका कुछ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइन बन गया और धुआं जैसा कुछ लग रहा है वहाँ पे। और कुछ टाइम पहले जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे तब बिजली गिरने जैसा हुआ था कुछ, बहुत जोर से बिजली गिरी थी, पूरा रोशनी जैसा हो गया था पूरा स्लाइडिंग के अंदर, ऐसा लगा था कोई बहुत भारी रोशनी आया है। हो सकता है कि वहाँ बिजली गिरा होगा उस पहाड़ पे, मैं अब सुबह देखूंगी तभी बता पाऊंगी आप लोग बिजली है या कोई और चीज़ का रिफ्लेक्शन है। लेकिन रिफ्लेक्शन किस चीज़ का आएगा, पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पे, वो देखो पहाड़ के ऊपर ये जो लाइन से दिख रहा है ना ऐसे ऐसे वाला, पता नहीं क्या है। पूरे 20 मिनट से मतलब वहाँ पे उस जगह पे मैं खड़ी थी और बिल्कुल मैं पैर तक नहीं हिलाया था, और उसके बाद जाकर वीडियो अपलोड हो पाया ब्लड अटैक का, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। यहाँ पे टक्कू भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था, निखिल भी बैठा हुआ था, लेकिन अपलोड कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में बैठे बैठे। देखो यहाँ पे नहीं होगा, वहीं पे मैं जहाँ पे खड़ी थी पैर एकदम धसा खड़ी थी मैं 20 मिनट से, और उससे पहले इधर घूम रही थी, लेकिन 20 मिनट तो वहीं पे पैर धसा ही तब हो पाया, नहीं तो बहुत मुश्किल था होना। और छाता लेके खड़ी थी क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है अभी, तो आगे मिलते आप लोगों से, बहुत हालत खराब। अरे ये क्या हुआ, पीछे एकदम बिजली जोर से चमकी बहुत जोर से, यहाँ पे ऐसा लगा रोज ही बिजली गिर रही, इतने जोर से यहाँ पे बिजली चमकती रहती है दिन रात। देखो जी अपनी गार्डनिंग करने में लगी हुई है और ये ऐसा क्यों मुंह बना रही है यार। देखो जब मैं जब बहुत जोर से हवा चल रही थी ना, फटाक से उसको अंदर की थी, एक टूट चुका अंदर से, ये देखो ये नया पौधा था जो पूरी तरह से टूट चुका है। अगर इसको अपन यहाँ से पत्ते नहीं निकाले, नीचे से भारी हो जाएगा, और भारी होने की वजह से थोड़ी भी हवा चलेगी पूरा टूट जाएगा। तो मैं तो अपने पौधे अभी ठीक कर रही हूँ, निखिल इधर बैठा हुआ है, मैं पूरी इसमें लगी हुई हूँ, थोड़े बहुत निकाल भी दिए जो एक्स्ट्रा थे इधर। लेकिन आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख लिए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डाले सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, चलो बाय बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो अगले ब्लॉग में। हाँ तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय।